नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कार्तिक नित्या क्लासिस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और नया अपडेट लेकर आया हूं। जो लोग ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए इंतजार में बैठे थे कि हमारा एग्जाम कब होगा, ये भर्ती कब होगी, तो उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस न्यूज के बारे में कि ये न्यूज क्या है आखिर। तो देखते हैं, ये मैंने यूपी ट्रिपल एस सी की गवर्नमेंट वाली साइट, जो ओरिजिनल साइट है, उसको खोल लिया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे यहाँ पर नोटिस बोर्ड, नोटिफिकेशन यहाँ पर हमारे सामने दिखाई आप लोगों को दे रहे होंगे। तो यहाँ अगर हम इस पर व्यू ऑल पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ जितने भी हमारे नोटिफिकेशन हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। पहला सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के लिए है। दूसरा बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगिता अधिकारी के लिए है। तीसरा वन्य रक्षक वन्य जीव प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के संबंध में दिया गया है। चौथा है यहाँ पर, देखते हैं, जो मैं इसको थोड़ा सा मार्क करके बताता हूँ आपको, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2018 को निरस्त किए जाने के संबंध में। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। काफी समय से लोग तैयारी में जुटे थे, कह रहे थे कि सर उसकी तैयारी चलाइए, उसका बैच चलाइए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उस पर शक था कि गवर्नमेंट, ये जो है यूपी गवर्नमेंट, बच्चों का बेवकूफ बना रही है। तो इसलिए हमने उसका बैच स्टार्ट किया भी था, लेकिन हम पूरी तरीके से उसको नहीं चला पाए क्योंकि हमें कुछ अंदेशा था इस चीज का। और हुआ वही जो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, अब इस पर हमने क्लिक किया है, ये लेटर आपके सामने खुलकर आ गया है, जो आया है 24 मार्च को। ये लेटर आपका 24 मार्च को जारी हुआ है, 24 मार्च 2021 को जारी हुआ है। और इसमें आप अगर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, दिखाई दे रहा हो तो चलो मैं बताता हूं। विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 2/2018 में क्रम दिनांक 22/23/12/2018 को आयोजित सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी यानी ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, समाज चयन प्रतियोगिता, जो प्रयोगात्मक परीक्षा होना, प्रतियोगितात्मक परीक्षा होनी थी 2018 को, आयोग द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जो वो भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है आपके लिए इस वक्त में। तो दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि भर्तियां निकाली जा रही हैं और उनको निरस्त किया जा रहा है। बार बार यही देखा जा रहा है, पुरानी जितनी वैकेंसी हैं उनको निरस्त किया जा रहा है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नई भर्ती कराएंगे, नए फार्म भराएंगे, नया पैसा आएगा। तो ये सरकार की नीति है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की। ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि बस फार्म भरते रहें। अभी लास्ट में जो वैकेंसी आई है एडेड जूनियर एडेड वाली, उसमें एक सीट पर 200 फार्मों को भरा गया है। एक सीट पर 200 बच्चे हैं, ये रिजल्ट है। और फार्म की आप कॉस्ट जानते ही हैं कि लगभग 1000 रुपये के आसपास का खर्चा पर सीट के लिए हो गया, पर बच्चे, पर कैंडिडेट के लिए हुआ। ऐसे ही यहां इस भर्ती को इन्होंने निरस्त कर दिया है और नई भर्ती फिर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, नई भर्ती लेकर आएंगे कि इसको हम पूरी कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। जब भी कभी इलेक्शन आता है, जितनी भी वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं, पहले समय से हम देखते आ रहे हैं इन चीजों को, कि जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के दौर में भर्तियां निकलती हैं, धड़ल्ले से भर्तियां निकलती हैं, बच्चे फटाफट फार्म भरते हैं, हर बार फार्म भरते रहते हैं और पैसा इकट्ठा होता है इनके इलेक्शन के खर्चे के लिए। और इलेक्शन फिर यहां आ चुका है और इनका खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं से इन्हें निकालना है। तो दोस्तों, ये बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। पहले तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि शायद ये कोई फ्रॉड न्यूज होगी, लेकिन जब मैंने इसको साइट पर जाकर चेक किया, क्योंकि हम जब तक भरोसा नहीं करते, जब तक आपके सामने कोई भी न्यूज नहीं देते, जब तक हम उसके बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी अपडेशन के लिए, हम जब तक आप लोगों के सामने कोई भी न्यूज नहीं देते हैं, जब तक हम उस पर पूर्ण रूप से खुद संतुष्ट ना हो जाए। और ये चीजें हम आपका जो गवर्नमेंट का है, आप देख सकते हैं ये साइट है इसकी, यहां पर जो मैं अभी दिखा देता हूं दोबारा आपको, ये यूपी ट्रिपल एस सी, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं UPSSC.gov, कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिख जाए, .in।
ओहो, ये कलर भी चेंज करना पड़ेगा भाई। UPSSC.gov.in। इस साइट पर जाइए, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो उस पर वहां जाकर एडवर्टाइजमेंट में ये सारे के सारे जितने नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर ये सब खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और इसमें ये 4 नंबर पर दिया है इसके बारे में। तो दोस्तों, समय समय पर नित्या क्लासेस आप लोगों के साथ बना हुआ है, नए अपडेट्स आपके सामने लेकर आता है और आता रहेगा। तो मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में, चाहे गुड न्यूज़ हो चाहे शॉकिंग न्यूज़ हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब तक जांच पड़ताल नहीं कर लेते हैं हम आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। जांच पड़ताल के बाद हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं, तब तक और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।